स्कूलों के मुद्दे उपर पंजाब की सियासत गरमा गई है। पंजाब के स्कूलों में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और सिक्ख्या मंत्री मनीष सिसोदिया दी इन्हां फेरियां ने सूबे की राजनीति नूं पखाया है। सिसोदिया सेम चन्नी के हल्के विचले स्कूलों में पहुंचे क्योंकि पिछले दिनों तो दिल्ली और पंजाब सरकार स्कूलों के मुद्दे उपर आमू सामने है। आपने ये जो कंस्टिट्यूएंसी चुनी है चमकौर साहब, यही क्यों पर्टिकुलरली? ये इसलिए क्योंकि पिछले तीन चार दिन से मैं मतलब पंजाब के मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे, शिक्षा मंत्री जी भी कह रहे थे कि पंजाब के स्कूल तो देश में नंबर वन है। तो जब मैंने उनसे कहा भाई अपने कुछ स्कूलों की लिस्ट दे दो, तो उन्होंने कहा जी हम तो 250 स्कूलों पर बहस करेंगे, आप 250 स्कूलों की लिस्ट हमें दे दीजिए। हमने अपने 250 स्कूलों की दे दी, हम तो आधार की भी दे देते, पर हमने 250 स्कूलों की उन्होंने मांगी, 250 स्कूलों की लिस्ट दे दी और ये कहा कि अब आप अपने 250 स्कूलों की लिस्ट दो। तो उस पर उनका अब तक कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने सोचा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पंजाब के स्कूल नंबर वन है, तो उनके हलके में तो नंबर वन स्कूल होंगे ही होंगे। अब इस तरह के टॉयलेट वाले स्कूल, इस तरह के बदहाल स्कूल जहां सारे स्कूल को पढ़ाने के लिए, 7 क्लासेस को पढ़ाने के लिए एक टीचर जिसकी तनख्वाह 6,000 रुपए है, तो ऐसे स्कूल कैसे नंबर वन है? तो जी ये तो बस वाहेगुरु की मेहर है, वरना क्या हो जाता है। आम आदमी पार्टी के पास क्या प्लान है इनके? आम आदमी पार्टी के पास प्लान ये है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनते ही एजुकेशन पे काम करती है। अब ये गेट भी NRI ने बनवाया, एक ने, अब ऐसे थोड़ी है, आप सरकार बनने के अगले महीने से स्कूलों में उतर जाओ और पागलों की तरह उतर जाओ, और ये करेगी आम आदमी पार्टी। अभी चुनाव होगा 2 फरवरी में, आप देखना उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार एक एक स्कूल को कैसे सजाने संवारने का काम करेगी। पंजाब सरकार कह रही है कि डिफरेंस है दिल्ली को गवर्न करने में और पंजाब को गवर्न करने में, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल होगा, तो पंजाब के लोगों ने तो अपने स्कूल ठीक करने के लिए ही एक सरकार चुनी थी ना। अब पंजाब के लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो पंजाब के स्कूलों को ठीक कर सके। वो ये ना बहाने मारे कि जी दिल्ली के स्कूल तो इसलिए ठोक हो गए क्योंकि वो दिल्ली है। तो साहब पंजाब के लोग जो है अपने स्कूलों को ठीक कराने के लिए सरकार चुनना चाहते हैं। अगर किसी पार्टी को ये लगता है कि उनसे स्कूल ठीक नहीं हो सकते पंजाब के, तो वो पंजाब की सरकार बनने के लिए अप्लाई ना करे लोगों के पास। मनीष सिसोदिया वालों पंजाब के स्कूलों में फेरी बारे जो सवाल प्रगट सिंह नूं पुछा गया तो उन्हें इस नूं नौटंकीबाज दस्सिया। मैट्रोपोलिटन सिटी है। अच्छा मैं सोच रहा सी भी शायद जे पढ़े लिखे चंगे बंदे पॉलिटिक्स आउणगे ते ओह इदां दी गल नहीं करनगे, रादर उदों वध करन लग पए। मैं तो हैरान हाँ इस गल ते। असी कई वारी अनपढ़ पॉलिटिशियनां तो औखे हुंदे सीगे, पर हुण मैं देखदा पढ़े लिखे भी उदों भी गांह करन लग पए भी पंजाब दा दिल्ली नाल की मुकाबला। दिल्ली एक स्टेट आ, एक म्यूनसिपैलिटी चलाउण डए आ। सिसोदिया दा कहना है कि उह प्रगट सिंह दी मजबूरी समझ रहे ने क्योंकि उहनां खुद स्कूलां दी हालत वेख लई है। अब ऐसे स्कूलों की क्या लिस्ट देंगे प्रगट सिंह जी? मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूँ, जहाँ 5-6 क्लासेस को पढ़ाने के लिए एक टीचर हैं, उनकी भी तनख्वाह 6,000 रुपए है, तो वैसे में क्या लिस्ट देंगे? स्वाभाविक है जो हम विधानसभा चोणां सिर उते ने, अजे च हर पार्टी अपने विरोधी नूं घेरेगी ही। जिथे सत्ता धिर खुद नूं वादियां दी कसौटी उपर खरा दस रही है, उथे विरोधी धिरां इन्हां दावियां उपर सवाल चुक रहियां ने। ABP Sauncha, Josh, Jazba, Junoon.